दिल्ली से लौटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि जो शिक्षक पहले से ही काम कर रहे हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन वो राज्य सरकार के कर्मचारियों की गिनती में नहीं आएंगे। दरअसल अंबेडकर जयंती को लेकर जेडीयू कार्यालय में पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि नए दिशा निर्देश के तहत जिन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी वो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे और उन्हें अच्छा वेतन, महंगाई भत्ता और बाकी कई सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है और इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे, लेकिन नई बहाली होगी। इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए। नए बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियम पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी कहा कि ये नया नियम शिक्षकों के लिए काफी अहम है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक गण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं रात दिन, जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएँ मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार नए बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियम के फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर बिहार की गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया। तुम रहोगे तब तो हम स्थापित हो जाएंगे ना, कि फेल वाले से बिहारी का बच्चा पढ़ता है। और आज जो क्वेश्चन होगा वो कौन होगा, और जिस 4 लाख लोगों को आप पहले ही एग्जाम नहीं लेते, आपने पॉलिसी बनाकर, नियमावली बनाकर हाईकोर्ट में दे दिया, अब आप कर रहे हैं रिटर्न। 4 साल से आप दोहरा रहे हैं, हमारी उम्र कोलैप्स कर रही है। आज आईएएस को पुनः आप एग्जाम दिलाएंगे तो आईएएस पास करेगा, और क्वेश्चन कौन लाएगा, क्वेश्चन बनाएगा कौन? ये पदाधिकारी और कोचिंग माफिया हार्ड क्वेश्चन दे करके आप 90% टीटी बीटी एसटीटी को आपने फेल कर दीजिएगा। कहिएगा हम तो एग्जाम लिए थे, तुम तो फेल कर गया, मैं क्या करूँगा, और हमको मार दीजिएगा। आज यह पॉलिसी, इस वक्त जब आप नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तब यह लाना, ये गलत तरीका है। मैं ऐसे तरीके का खिलाफ हूँ। नए बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियम 2023 के तहत सभी स्कूल शिक्षकों को एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नए नियमों को मंजूरी दिए जाने के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक उनका विरोध कर रहे हैं।